माय यूट्यूब फैमिली जय माता दी। तो मैं आज का ब्लॉग अपना सुबह से ही शुरू कर दी थी। सुबह मेरा पूरा काम फिनिश हो गया था और मैं नहा के आ भी गई थी, मम्मी भी नहा ली थी और हम दोनों लोग नहा लिए थे। मम्मी भी पूजा करने जा रही थी तो मैं भी सूर्य भगवान को जल चढ़ाने जा रही थी। तो मैं जल चढ़ा दूँगी सूर्य भगवान को, अभी माला भी नहीं बनाई हूँ क्योंकि मतलब बहुत लेट हो जाता है सूर्य भगवान को जल चढ़ाने में, तो इसीलिए सोचे चलो बाहर पूजा कर लें फिर जाके अंदर कर लेंगे। तो पहले मैं बाहर पूजा कर लूँगी, अभी भोलेनाथ का पूजा हो गया है, मैं सूर्य भगवान को जल भी चढ़ा दूँगी और फिर चल रही हूँ मैं माला बनाने। तो देख सकते हो फूल अब ना वाइट वाला फूल जो है वो मिलने लगा, अभी तक रहता था ना ठंडी में नहीं रहता था ज़्यादा तो नहीं बनाते थे माला, बस उसे गुलाब ही चढ़ा देते थे बट अब मिलता है ना तो माला बना लेते हैं। माला बना लो ना तो अच्छा रहता है, मतलब जब फूल है तो क्यों ना बनाया जाए, बनाने के आलस से क्यों ना कि मतलब ना बनाएं। ऐसा कभी कभी हो जाता है ना कि मन को आ जाता है कि चलो ना बनाएं, बट अपने लिए हो ना तो ऐसा कर लो कि हाँ ना करें, बट भगवान के लिए ना तो ज़रूर से ज़रूर जितनी भी कोशिश कर पाएँ कि हाँ मतलब माला बना के चढ़ाएँ। तो मेरा आरती भी कंप्लीट हो गया था, देख सकते हो मम्मी भी पूजा कर रही हैं बट उनको ना ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि वो करती हैं माला। तो मतलब वैसे तो आरती सब जैसे वो भी पूजा कर रही हैं तो मुझे अकेले मैं भी अच्छी हूँ। लक्ष्मी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं ब्लॉग आज सुबह सुबह से ही शुरू कर दी थी बट ना कैमरा पकड़ने फ़ोन पकड़ने वाला मेरा कोई है नहीं, तो मैं जो कुछ भी शूट कर पाती हूँ खुद बस उतना ही करती हूँ। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोगों को आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और फिर उसके बाद में आप लोग ऐसे ब्लॉग में बने रहिएगा। और अब ना ब्लॉग बनाने का थोड़ा भी मन नहीं करता है क्योंकि व्यूज़ नहीं आता है, लेकिन फिर भी क्या किया जाए, चलो बनाते हैं तो बनाते हैं कोई ना। मैं चल रही हूँ अभी चाय बनाने, अभी कुछ भी नहीं बना है और अभी लगभग बज रहे होंगे 7:30 8 बज रहे होंगे, अभी कुछ भी नहीं बना है, सब लोग सो रहे हैं, सिर्फ हम और मम्मी, भैया है नहीं घर पे और हम और मम्मी हैं तो अपने और मम्मी के लिए चाय बना लेंगे और वो दोनों लोग अभी सो रहे हैं तो वो लोग उठेंगे तब बनेगा उन लोगों के लिए चाय। तो आप लोग ऐसे बने रहिएगा। और मम्मी का भी पूजा ख़त्म हो गया था तो प्रसाद मिला था खाने के लिए क्योंकि भोग लगाते हैं, मतलब सभी लोग पूजा करते हैं तो सभी लोग लगाते हैं भोग। तो ये देख सकते हो ग्लास टूट, ये टूट गया था ना पीछे का जो लग बंद करते हैं तो ग्लास लगा दिया गया है, ये कल से ही लगा है, मतलब कल ही टूटा है तो कल भी लगा दिए थे और आज भी लगा दिए, बन जाएगा तो किसी दिन बन जाएगा, समझते हो ना जब काम मतलब बंद हो जाता है तो चलो ठीक है बनवाना तुरंत ज़रूरी है बट अगर काम चलता है तो चलने दो। और फिर मैं मम्मी को दूध भी दे दूँगी क्योंकि मम्मी की भी ना इस टाइम थोड़ी तबीयत ख़राब ही रहती है और मम्मी भी अब जाने वाली हैं बालाजी और पतिदेव, तो बालाजी गए थे वो आ भी गए हैं। और ना जब बालाजी जाओ तो रोटी ही खाया जाता है बट पति परमेश्वर को ना रोटी खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है तो किसी तरीके से बेचारे खाते हैं रोटी, तो मैं जल्दी से सब्जी बना लूँगी। वैसे ना मम्मी को खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मम्मी रोटी खाती रहती हैं, हमेशा खाती हैं मम्मी रोटी, और पति परमेश्वर तो कभी भी नहीं खाते, ना रोटी ना पराठा ना पूड़ी कुछ भी नहीं खाते। तो मैं जल्दी से सब्जी बना लूँगी। मैं बनाऊंगी आलू गोभी मटर टमाटर की सब्ज़ी। तो मैं सब्ज़ी भी मतलब तड़का देके रख दी थी, बनने लगा था, अब मैं जल्दी जल्दी से आटा गूँथ के रख दूंगी। वैसे ना रोटी अभी बनाऊंगी नहीं क्योंकि कोई खाने वाला है नहीं, भैया है नहीं और फिर उसके बाद में मम्मी भी अभी नहीं खाएंगी तो मैं रोटी बनाऊँगी बाद में, आटा गूँथ लेती हूँ जब तक मैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। बहकी सभी जुबा है हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है हर चीज खा। तो मम्मी भी मेरे पास बैठी थी, हम और मम्मी दोनों जन बात भी कर रहे थे और मैं आटा भी गूंथ रही थी और आटा गूंथ के मैं रख दूंगी। और भी ना बहुत सारा काम भी है वो मैं काम पूरा फिनिश कर लूंगी। किस बात के लिए गुस्सा होता, क्या चाहिए आपको? बुद्धि खाना है? हेलो करो, पहले किस करो तो देंगे, किसी करो तो देंगे, किसी करो किसी करो किसी करो किसी करो।
मेरा सर दर्द हो रहा है ना, दबा दो दबाओ दबाओ। क्या नाम है बता दो? माना। मानस तो नाम है, और ये क्या नाम है बता दो? और क्या नाम है? बब्बर शेर। बब्बर शेर, तो बब्बर शेर के जैसे बोलते भी हो आप। बब्बर शेर कैसे करता है, आंखें कैसे निकालता है बब्बर शेर? ऐसे निकलता है। और ये देखो, ये तो चल रहे हैं, क्या क्या आ रहा है? पिनाकी। क्या आ रहा है बेटा? बब्बर शेर। तो अभी देंगे ना। और मेरे मेरे बब्बर शेर से मिले आप सब? ये बब्बर शेर है, बब्बर शेर है, बट चूहा है, चूहा डरता बहुत है। डरते हो ना सब लोगों से? डरते हो ना सब लोगों से? खुद को बोलता है ना कि मेरा नाम बब्बर शेर है, मतलब डरता नहीं है किसी से। उसके सामने बोल दिए थे, मतलब मैंग तो डरता भी है किसी को, वो किसी को नहीं डरता है। किसी के सामने भी कुछ भी बोल रहा हूँ आराम से मतलब बोल लेता है। और मैंग ना बहुत डरता है, और ये नहीं डरता किसी से भी, नहीं डरता, बस सिर्फ अपने छोटे चाचा से डरता है। पैसा मिल गया ना? गुस्सा हो गए ना? पैसा दे, पैसा कर लेना तो किसी करोगे तो पैसा देंगे किसी किस आ? अरे मान गया, 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 मान गया। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। कॉपी की हालत देखो कैसे कर दिया है। ये वाला तो चलो न्यू है, हाल देखो, हाल हाल इसका बेचारे का बेहाल कर दिए। अच्छा बुद्धि चाहिए आपको? कितना चाहिए पहले ये बताओ, पहले हाथ हटाओ, बताओ कितना चाहिए? पूरा पैकेट। पूरा पैकेट, चलो एक किसी का तो पूरा पैकेट दे। और मानस को ना चिढ़ाने में बड़ी बड़ा मज़ा आता है, तो इसीलिए मैं मानस को परेशान कर रही थी। और फिर मेरे पूरे काम भी फिनिश हो गए थे, तो मैं अब आ गई थी किचन में, पराठे बना लूँगी जल्दी जल्दी पति परमेश्वर के लिए, तो मैं उनको बना के दे दूँगी। और इतने सारे रखे हैं कपड़े प्रेस करने के लिए, ये सब मैं प्रेस करूँगी और प्रेस भी करूँगी। और ना बहुत दिन हो गया था नेल पेंट नहीं लगाए थे, तो मैं नेल पेंट भी लगा लूँगी ना, हाथ पैर अच्छा नहीं लगता ऐसे, और मैं हमेशा रेड ही लगाती हूँ। तो मैं चल रही हूँ खाने, आप सब भी आके खा लीजिए। तो मैं निकालूंगी तुम्हें लिए खाना। आज मम्मी भी नहीं है, चली गई है मामा के घर पे, तो आज अकेले ही खाना खाना है, नहीं तो हम और मम्मी हमेशा साथ में बैठ के खाना खाते हैं। बट आज मम्मी नहीं है, चली गई है मामा के घर पे, बना चुके हैं, तो आज अकेले खाना खाना है। तो मैं आज भी बड़े कपड़े का खाना खाऊंगी, मैं देखूंगी सीरियल और खाना भी खाऊंगी। आप सब भी आके खा लीजिए। जरूर बताएं और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा इसीलिए मैं ब्लॉग को करती हूँ। और आप लोग अपना बहुत सारा प्यार दें मुझे। बाय।